मैदान में धोखा करके चले गए, फिर जो आए ये पतंग लेके घूम रहे हैं, ये पतंग लेके घूम रहे हैं, ये लोग आते हैं यहाँ बेवकूफ बना, अब एसी के हॉस्पिटल फ्री इलाज, इतना कौन का हमदर्द हो? अवेसी मेडिकल कॉलेज में फ्री में दाखिला करा दो, मैं भी तुम्हारा संदर्भ। ये लोग कभी देखे अवेसी साहब हमारे समाज के नौजवानों को ये कहते हैं कि भाई तुमको क्या करना है, अपना लाइफ कैसे बना, कभी नहीं, सिर्फ उकसाने का काम करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में मेरी राजनीति चलेगी। कौन से लोग कर्म करके आगे आ जाने तो हमारी राजनीति खत्म हुई, इसलिए इसको भी आपको समझने का काम। 2014 से पहले जब मोदी जी नहीं आए थे, ये एमआईएम पार्टी सिर्फ 7 से 8 सीट पर लड़ती है, आज एमआईएम पार्टी पूरे देश के कोने कोने में जाके चुनाव लड़ रही, क्या बात है। आज अखबार कुछ बोलते हैं तो उस पर सीबीआई ईडी, बदरुद्दीन अजमल साहब कुछ बोलते हैं तो उस पर सीबीआई ईडी, और मीडिया जो मोदी मीडिया है, कोई बात मोदी जी बोलेंगे बीजेपी के तरफ से तो राहुल गांधी से नहीं पूछेंगे, अवेसी से जाके माइक घुसा दे, बोलिए ये कभी बोल दो मेरे गर्दन पर तलवार रख दो तो मैं नहीं बोलूंगा, किसको बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है। तो यही तो स्थिति है, इसलिए आपको समझने। और दूसरी बात, कितने भी साथी हैं, 2 रुपए नागपुरिया और एक हैदराबाद वाला, ये लोग सोशल मीडिया में एक गेंद पाले हुए हैं, आप कोई बात बोलिएगा वो आपको मां बहन से गाली देगा, देख रहे हैं। आप अगर कहीं गए हैं किसी के मैयत में, ये फलाना साहब मर गए, आप देख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें भी जो अंधभाग बन गए बल्ली है ना बल्ली भी, मैं इसे अपने सबको देखा और किसी पार्टी में नहीं, यही 2 पार्टी वो मोदी से पीछे नहीं हटता, ये बल्ली भी मार दिया, हम जो मालूम किया देख लिया जितना कमेंट आता है, समझ गए, उसको ये करेंगे तो 50% जो वोटर नहीं है और जो बच्चे 50% उसमें से 90% से ज्यादा लोग हैदराबाद कहा जो है महाराष्ट्र कहा 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 सब चेक कर लिए उस कमेंट, और एक एक आदमी 10 जो आए 10 बार एक ही बात पर 17 रुपए ओनली मी, 5 मिनट होगा फिर ओनली मी ओनली मी, इसलिए इन लोगों को सोशल साइट पर भी मुंह तोड़ करके जवाब देना है। पहले कितने मुस्लिम एमएलए एमपी हुआ करते थे, आप इतना ना मुस्लिम मुसलमान मुसलमान करके सब मुसलमान का सत्यानाश कर रहे हैं, एकदम सही बात है, तो ये क्यों कर रहे हैं सबको मालूम हमारी बात। आप इनका मैं एक इंटरव्यू में बोला था कि जो है किराए के उनके बाप दादा किराए के मकान में रहते थे, आज 200 करोड़ के मकान में रहते हैं, बहुत लोग क्रोध कर रहे हैं, उस तक क्रोध से हमारी जुबान बंद नहीं होगी, जब तक सांस है सच बात बोलते रहूंगा, चुनाव हार जीत का मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बोले बोले आप चुनाव हार गए, अरे जो तुम्हारा नेता है बुद्धिमान वो तो उससे पूरी तरह से चुनाव हारा, लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा, और फिर महागठबंधन सही कर दिया अख्तरुल ईमान का जमानत, तुम लोग ऑनलाइन ट्रोल करोगे धमकाओगे, कोई धमकने वाला है काम है मास्क मिलता ही, कोई खानदानी मेरे राजनीति में कोई परिवार दूर दूर तक स्थान, हम बहुत कुछ छोड़ के राजनीति में आए और सेवा के भाव से आज
इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, किसी के बहकावे में नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में जोड़े।